अभी तक फजर अल्हम्दुलिल्लाह पौने सात बजे तक होती है, पचास तो क्या था अल्लाह ने फरमाया कि फजर से पहले ये अमल करना है। क्या अमल है? अमल ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुभान अल्लाह वभी हमदे ही सुभान अल्लाह लजीम वभी हमदे अस्तगफिरुल्लाह। बस सिर्फ सो बार ये पढ़ना है। वो आदमी गया और फजर के पहले पढ़ता रहा पढ़ता रहा, आकर के बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने घनी कर दिया है और सुभान अल्लाह। आप भी ये पढ़िए इंशाल्लाह, चंद दिन पढ़िए देखो गैर से रोटी मिल जाएगी, गैर से रोटी मिलेगी, लेकिन अमल करना पड़ेगा। क्या है? फजर से पहले ये पढ़ लो इंशाल्लाह रोटी बरकत अता हो जाएगा और ये दूसरी मन्ना मसलेगा। एक और अमल, आप चाहते हो कि जहां पैसे रखो वह खाली ना हो, बरकत बरकत हो, आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े रात को कभी भी और 21 मर्तबा इन्ना आते इन्ना कल को छोड़कर मुकम्मल, फिर 11 दुरूद शरीफ पढ़ने जहां पैसे रखते हो उस पैसे दम कर वाला रोटी के अंदर बरकत अता है, मान में कमी नहीं होगी, इसलिए कि इन्ना आते इन्ना कल को छोड़ पड़ता है कहीं पढ़ के लाने हो जाए बेशुमार बलाएं हासिल होगी। लेकिन एक और बात सुनाऊं अली की, मदीना शरीफ की पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसिफ की बात सुनिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने उन्हें एक बार हज किया फिर आका के बारगाह में रह गए, दोबारा नहीं गए। पूछा गया हजरत आप मदीना शरीफ छोड़ के क्यों नहीं जाते? कहा मेरी मौत आ गई तो मेरा इंतकाल हो गया तो इसलिए मदीना छोड़ता नहीं। मदीना शरीफ इसलिए हमेशा आका की बारगाह में रहते, सलाम तो सलाम पढ़ते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने अब उनको तुर्की हुकूमत दी थी ना 700 बरस तक मदीना शरीफ के लिए तुर्की हुकूमत, तो उन्होंने घोड़े दिए थे लेकिन कभी सवारी पर बैठे नहीं, अदब कभी चप्पल पहने नहीं, कभी चप्पल नहीं पहने। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने मदीना शरीफ से गुजरते तो जिस गली से गुजरते उस दीवार को देखते तो गुस्सा लेते, दीवार को गुस्सा लेते। उनके बोले तो हजरत आप दीवार को गुस्सा लेते हो? तो कहा हाँ, कहा इसलिए कि इस दीवार पर रसूल पाक की निगाह पड़ रही हो। तो सुभान अल्लाह, ये आशिकों की बात है। कहा इस दीवार पे आकर की निगाह पड़ गए कि इसलिए दीवार को चौंकता हुआ है। तो कुछ लोग ने कहा हजरत आका ने तो ये फरमाया जब भी चलो क्या सड़क पे चलो तो निगाह को झुका के चलो, मेरे आका सल्लल्लाहु को निगाह झुकाई होगी, निगाह झुका के चले होंगे। अब सुनिए इमाम मालिक क्या फरमाते हैं, कहा ठीक है आका निगाह झुका के चल दो लेकिन इस दीवार को आका को देखा है और सुभान अल्लाह इस दीवार को मुस्तफा का दीदार किया है इसलिए दीवार का गुस्सा ले लो और सुभान अल्लाह। ये आसिफ आसिफ और तो वैसे और ये दुरूद शरीफ अल्लाह अब चप्पल पहनते नहीं थे ना, मदीना शरीफ का कांटा लग गया, अल्लाह कांटा लगा। तो मरीजों ने कहा हजरत लाओ निकाल दे, कहा नहीं नहीं कपड़ा लाओ मैं अपने जिस्म में रखूंगा और कल मैसर के मैदान में नफसी नफसी का हाल होगा, जन्नत की जन्नत आएंगे तो उधर की दोनों इधर आएंगे और अल्लाह मुझे पूछेगा ना कि इमाम मालिक क्या लाया है, ये मालिक क्या लाया है। ये नहीं कहोगे कि नमाज पढ़ी है मौला, कुरान की तिलावत की है मौला, हज किया है मौला, मौला मैंने रोजे रखे रमजान के, ये नहीं कहूंगा बल्कि अल्लाह की बात कर मैं यह कहूंगा कि मौला तेरे मेहमून के शेर का कांटा लाया तो सुभान अल्लाह इसी मेरी नजर हो जाएगी, ये अल्लाह वाले और ये आपकी बड़ी दुरुस्त करी अल्लाह हो जाएगा। आखिरी बात ये तो आसिक की बात, अब सुनिए गद्दार मुस्तफा की बात। हजरत अनस ये कौन है? ये आसिक के मुस्तफा है, 10 साल तक रसूल पाक की बारगाह में रहे, आका की बारगाह में। ये फरमाते हैं कि एक शख्स आका की बारगाह में बैठा,
आकार फरमाया तुम वही लिखो, और वही क्या ये सुनिए, ये कुरान जब नाजिल होता है ना बिस्मिल्लाह यासीन वल कुरान हकीम, तो फिर जिब्रील अमीन अलैहि सलाम व सलाम आके आका को बताते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला पर उसी शख्स को कहते कि लिख ले। तो ये राइटर था, क्या था? राइटर था, लिखता था, लेखक। आका फरमाते कि ये आयत लिख, ये आयत लिखता था। अब चंद दिन लिखे उसने, दिल में शैतानी ख्याल आ गया कि आका के लिए तो जिब्रील अमीन आते ये बोलते हैं और मुझे मैं लिखता हूं तो कुछ फर्क तो है नहीं। नबी का फर्क ये कि उनके वही नाजिल होती और ये सिखा जाते और मैं लिख लेता हूं। आका मुझे लिखा जिब्रील अमीन जैसे ही बोलते हैं आका निकले सीने में आ जाता है और फिर ये जबान से बोल देते हैं तो कुछ फर्क नहीं है। अल्लाह ये गुस्ताखी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके दिल में तकब्बुर आ गया, ये बड़ा इल्म वाला हो गया कि जिब्रील अमीन आकर लिखा बोलते आका सुनने को मैं लिखता हूं वही लिखता हूं। अल्लाह अकबर, तकब्बुर आ गया, ईमान का जनाज निकल गया, ये किताब हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया, मोहब्बत निकल गए रसूल पाक की। वही लिखने वाला वो शख्स था, राइटर था, वही लिखता था, कुरान की आयतें लिखता था। आका फरमाते थे इससे दिल में ख्याल आ जाते कुछ फर्क नहीं। अल्लाह अकबर, अरे मेरे आका है तो जन्नत के मालिक है, हमारा तुम्हारा साया पड़ता है, मेरे आका का साया नहीं पड़ता। हमारी बस्ती में से बन को आकर रसूल अल्लाह को खुशबू आया करती, हमारे लोग तेल उठाने के लिए तैयार नहीं, मेरे आका का लोग जब गिर जाए वो भरपूर हो जाए करके पानी। जमीन से आसमान तक का फर्क है, मेरे आका सर से पेट तक नूर ही जरूर है, लेकिन वो गुस्ताख हो गया, एले किताब पे चला गया। अब उसका इंतकाल हुआ, अनस फरमा उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसे दफन करे, रात हुई ना उसका लाशा बाहर आया, कब्र से बाहर आया। अल्लाह अकबर, तो सुबह देखी तो कब्रस्तान के बाहर उसका लाशा पड़ा है। लोगों ने मीटिंग की कि मुसलमान क्या शायद मुसलमान कब्र खोद के से बाहर फेंक गए हो, इसलिए कि इसने गुस्सा के गए थे उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या करेगा, गहरी कब्र करो। फिर गहरी कब्र खोदी, फिर उस आदमी को रखा तो वही लिखा था आका के बारे में, उसका हाल सुनिए। दफन कर दिया, दूसरा रोज हुआ, लाशा बाहर आ गया, क्या फिर लोग जमा हुए देखा, फिर मीटिंग की का क्या करे, लगता है कि मुसलमान आके निकाल दोगे इसकी लाश को, तो और गहरा करेगा और गहरी कब्र की, उसका लाशा रख दिया और रखने के बाद दफन कर चले आए। तीसरा रोज हुआ, फिर कब्र से बाहर आ गई लाश, बाहर हुई लोगों ने मीटिंग किया, तो ये मुसलमान का काम नहीं है क्या, ये अल्लाह की तरफ से है, अजाब से क्या अजाब है, मुस्तफा की गुस्ताखी के ना अजाब लगता है, इसलिए दूर रहना चाहिए, उसके लाशा किसी ने पड़ा रहे दो कब्रस्तान के बाहर, कब्र के बाहर उसका लाशा पड़ा है। तीन रोज तक कब्र दफन किया, बाहर आया ये गुस्ताख का मुस्तफा का हाल है। लेकिन हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह का गुजर हुआ, देखा कि लाशा बाहर है, गांव वालों को बुलाया, अरे लाशे को दफन करो। हजरत बात यह है कि तीन रोज तक हमने दफन किया, तीन दिन तक, लेकिन कब्र अपने पेट में रखना नहीं चाहती, बाहर आ जाती, बाहर फेंकते थे। फिर बात कही कि ये वो आदमी है जो इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह एक है, कलमा पढ़ता था, हजरत पाक का दीदार करता था और आका जो फरमाते तो ये वही लिखता था, लेकिन इसने गुस्ताखी कर ली कि मेरे नबी में कोई फर्क नहीं है, नबी पर सिर्फ वही नाजिल होती है और उसमें नहीं, ये गुस्ताखी की ना, अल्लाह ने अजाब दिया है, जमीन को कम दिया, इसे कब्र के अंदर नहीं रखना है, अब इसे जला दिया जाए, ये है गुस्ताख का हाल। प्रासी का हाल क्या है मैंने बताया, और ये दूसरे को ना हुआ सलेगा। सलाम और सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आसिक की बात सुनिए, मेरे मेहरू के आसिक बनो, आसिक के बस्तर बनो, मौत क्या है, कुल्लो नफ्सि ज़ाकतुल मौत, हर जानदार चीज की मौत का मतलब है, कोई से बाकी रहने वाला नहीं, लेकिन उस अमल किया, दरूद शरीफ पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, बेटे उठते दरूद शरीफ पढ़िए, गुनाह माफ हो जाएंगे,
क्या गुना माफ हो जाएंगे। और ये मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना, दो ईदों से अफजल ये महीना, बेशुमार रहमत अल्लाह की नाजिल होती है, बेशुमार रहमतें नाजिल होती है। लेकिन बारहवीं शरीफ में बारहवीं रात को हमें क्या करना है, सलात व सलाम बारह रोज़ों को पढ़ना ही है, सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आका के बारगाह में सलात व सलाम पेश करना, ये गुलामी का सबूत है। वो आका जब दुनिया में आए ना सल्लल्लाहु, तो रब्बे हबले उम्मती कहा, रब्बे हबले उम्मती कहा, दुनिया से गए कब्र के अंदर, क्या इब्ने अब्बास कहते कि मैंने कान रखा तो आका के गबन होकर हिल रहे थे, और ये बात कह रहे थे रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, उम्मत का गम कितना, कि उम्मत के गम में होते थे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, क्या मेरे हवाले कर दे और मेरी उम्मत को बख्श दे। वो वही आका को दुरूद शरीफ ना पढ़ कैसे गुजर, इसलिए बेटे उनके दुरूद शरीफ पर गुनाह माफ हो जाएगा, बे औलाद को अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा, दरूद पढ़ने को करम दार का अल्लाह तरफ से खुलासा अता फरमाएगा, बस हम दुआएं के बोला जो कुछ पढ़ा है बोला, बोलने में खामी है तो माफ अता फरमा, आज के बोला हमारे हाजिरी मां सभी बालों को बख्शीसी अता फरमा, उन्हें लोगों की शफात नसीब अता फरमाना, उन्हें होते को सर पानी नसीब अता फरमाना, मौला उन्हें बिना हिसाब और किताब जन्नत के फिरदौस में आला सर मकाम अता फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों से बाग बना दे मौला, Thank you.